एशिया कप 2022 में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया और श्रीलंका ने सुपर फोर में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब सुपर फोर के मुकाबले के लिए टीम इंडिया और श्रीलंका दुबई के क्रिकेट ग्राउंड में एक दूसरे के आमने सामने होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको तमाम लाइव अपडेट देंगे कि ये मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा, साथ ही इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी और साथ ही श्रीलंका की टीम के कौन कौन से खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले इस मुकाबले की तमाम जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। साथ ही आप इस मुकाबले को कैसे देख सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करे तो इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 400 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों, श्रीलंका ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बांग्लादेश की टीम को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हराकर सुपर फोर में अपनी जगह पक्की की है। काफ़ी शानदार मुकाबला देखने को मिला था दोनों टीमों के बीच, लेकिन दोस्तों अब उस मुकाबले के बाद यहां पर सुपर फोर में बड़ी चुनौती मिलने वाली है श्रीलंका को, जहाँ पर श्रीलंका का मुकाबला एक बार फिर टीम इंडिया से होना है। टीम इंडिया यहाँ पर काफ़ी खतरनाक टीम है जो कि अपने 2 में से 2 मुकाबले जीत कर यहाँ पर पहुँची है, लेकिन श्रीलंका की टीम जिस प्रकार से यहाँ पर अफगानिस्तान के सामने हारी थी, उन्हें एक बार फिर अपने पहले मुकाबले में सुपर फोर में अफगानिस्तान की टीम से ही भिड़ना है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर बांग्लादेश की टीम के खिलाफ इनके खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस की, तो बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया था, खास करके यहाँ पर कुशल मेंडिस ने, जिन्होंने शुरुआत से ही काफ़ी शानदार खेल दिखाया। इसके अलावा यहाँ पर श्रीलंका के लिए बल्लेबाजी में कप्तान दसुन सनका ने भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया था। हालांकि टीम के कुछ बड़े नाम जिनमें चरित्र असलंका, पानुका राजपक्सा जैसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले से कमाल नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें यहां पर सुपर फोर में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। खास करके टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं कुशल मेंडिस, चरित्र असलंका और गुना थिलका जैसे खिलाड़ी, तो साथ ही साथ IPL स्टार पानुका राजपक्सा भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कप्तान दसुन सनका जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाज हैं, वो भी टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं। गेंदबाजी की हम बात करें तो इस टीम के पास वनिंदु हसरंगा जैसे काफ़ी शानदार गेंदबाज मौजूद हैं, तो वनिंदु हसरंगा के अलावा यहाँ पर चमिका करुणारत्ने, महेश दीक्षणा भी टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो श्रीलंका की टीम के पास कई शानदार खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया को टक्कर दे सकते हैं। वहीं पर हम बात करें टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब तक टॉप ऑर्डर के टॉप 4 बल्लेबाजों में से 2 बल्लेबाज फ्लॉप रहे हैं, लेकिन 2 बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की, जिन्होंने अब तक इस एशिया कप में कमाल का परफॉर्मेंस किया है, और हांगकॉन्ग के खिलाफ तो इनके बल्ले से तूफान देखने को मिला था। ऐसे में यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों से तो शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी ही, लेकिन साथ ही टीम इंडिया के दोनों ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और राहुल को भी यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा, तभी यहां पर टीम इंडिया इस मुकाबले में भी शानदार परफॉर्मेंस करके फाइनल की ओर अग्रसर हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक भी टीम इंडिया के महत्वपूर्ण बल्लेबाज साबित होने वाले हैं, तो साथ ही साथ रविंद्र जडेजा भी इस टीम के की प्लेयर हैं जो कि गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की हम बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से KL राहुल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि नंबर 3 पर हमें विराट कोहली दिखेंगे, तो नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर रविंद्र जडेजा, तो नंबर 6 पर हमें हार्दिक पांड्या दिखेंगे, जबकि नंबर 7 पर दिनेश कार्तिक उतरने वाले हैं, तो नंबर 8 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे भुवनेश्वर कुमार, जबकि नंबर 9 पर यजुवेंद्र चहल उतरेंगे, तो नंबर 10 पर आवेश खान और नंबर 11 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे अर्शदीप सिंह। यानी कि देखा जाए तो टीम इंडिया के पास तो दमदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी मौजूद हैं। वहीं पर अब हम बात करते हैं कि आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला कितनी बजे खेला जाएगा। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच ये बेहद ही शानदार मुकाबला दुबई के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है, जो कि खेला जाएगा 6 सितंबर को, और ये मुकाबला शुरू होगा भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 पर, जिसे आप लाइव देख सकेंगे टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट पर और मोबाइल में हॉट स्टार पर। तो दोस्तों, क्या लगता है इस मुकाबले में टीम इंडिया बाजी मारेगी या फिर श्रीलंका, आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।